हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश फॉर किड्स। तो आज मैं बच्चों आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसको कि हम होली की के ऊपर द स्टोरी ऑफ होलिका दहन। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो वंस इन अ इंडिया देयर वॉज अ किंग, ही वॉज विग्ड मैन, बूसफुल, ग्रीडी एंड क्रूएल। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका जो कि बहुत ही दुष्ट राजा था, तो और बूसफुल था, अपनी ही बड़ाई बोलता था, ग्रीडी था, लालची था, क्रूएल था। एवरी वन हैड टू डू एग्जैक्टली एज ही कमेंडेड। हर किसी को वही करना पड़ता था जैसा वो बोलता था। ही इवन टोल्ड हिज पीपल दैट ही वॉज अ गॉड। वो ऐसा भी बोलता था कि वो ही भगवान है, सो दैट दे हैड टू वर्शिप हिम टू। तो सबको उसकी ही पूजा करनी पड़ेगी। द किंग हैड अ सन कॉल्ड प्रहलाद। राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम था प्रहलाद, हु वॉज एज काइंड एज हिज फादर वॉज क्रूअल। वो उतना दयालु था जितना कि उसके पिता क्रूअल थे। ही टू बिलीव दैट हिज फादर वॉज अ गॉड। वो भी ऐसा मानता था कि उसके जो पिता हैं वो एक भगवान हैं। वन डे व्हेन प्रहलाद वॉज वॉकिंग इन द कंट्री साइड, ही सॉ अ वूमेन ऑन हर नी। एक दिन प्रहलाद जब वॉक कर रहा था अपने नगर के किनारे देश के में, तब उसने देखा कि एक औरत जो है वो अपने घुटने पे बैठी है। हर हैंड वर क्लैप्स एंड हर हेड बोर्ड, और उसका सर झुका हुआ है, हाथ जो है बंधे हुए हैं। शी वॉज प्रेइंग। वो प्रे करती है किसको? लॉर्ड विष्णु को, हु टेक्स अवे फियर, जो कि उसके दुख दूर करेंगे। आई सरेंडर टू यू। मैंने, वो बोलती कि मतलब मैंने आपके आगे सरेंडर कर दिया है, ग्रेट लॉर्ड, भगवान विष्णु के आगे। प्रहलाद वॉज एंग्री। ये देखकर प्रहलाद को गुस्सा आता है। वुमेन, वाई डू यू प्रे टू द लॉर्ड विष्णु? तुम लॉर्ड विष्णु को क्यों प्रे कर रही हो? वेन यू नो दैट योर किंग इज गॉड, जब तुम ये जानती हो कि तो तुम्हारे जो राजा हैं वही भगवान हैं। द वुमेन टर्न्ड हर फेस टू प्रहलाद। वुमेन ने जो अपना फेस है वो प्रहलाद की तरफ मोड़ा। देयर वर टीयर्स ऑन हर चीक। उसके पूरे मुंह गाल पर आंसू आए हुए थे। माई किटन हैज फॉलन इन टू द वेल। मेरी जो बिल्ली है, बिल्ली का जो बच्चा है वो गिर गया है वेल में, यानी कुएं में। शी सेड आई एम प्रेइंग दैट दे विल बी सेव। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि शायद वो उनकी वजह से, भगवान विष्णु को प्रे करेंगे तो वो बच जाए। ऐसी स्पोक अ टाइनी म्याऊ साउंडेड फ्रॉम द वेल। जैसे ही उसने ऐसा बोला कि मैं प्रे कर रही हूँ कि शायद वो बचा ले, वैसे ही तुरंत वेल से एक आवाज़ आती है छोटी सी म्याऊ की। टू प्रहलाद एस्टोनिशमेंट ही सॉ लिटिल प्रहलाद एस्टोनिशमेंट। वो आश्चर्यचकित से उन्हें, ही सॉ लिटिल पॉ क्लाइंबिंग टू द, इस उसने देखा कि कुएं में से क्लाइंब करके बिल्ली ऊपर आ रही है। जेंटली द वुमेन पिक्ड अप द किटन एंड पुट इट डाउन सेफली ऑन द ग्राउंड। देन दे हर्ड अनदर म्याओ एंड अनदर, वन बाय वन द किटन क्रॉल आउट ऑफ द वे। माई प्रेयर हैज़ बीन आंसर्ड, द वुमेन क्राइड जॉयफुली एंड फेल टू हर नी। उसकी जो प्रेयर थी वो लॉर्ड विष्णु ने मान ली। एज प्रहलाद मेड हिज वे होम, जब वो प्रहलाद रास्ते में जा रहा था, ही थॉट अबाउट वॉट हैड हैपन, उसने सोचा कि क्या क्या घटना हुई है। माई फादर इज नॉट अ गॉड आफ्टर ऑल, ही थॉट, फ्रॉम दिस डे फोर्थ आई विल वर्शिप लॉर्ड विष्णु। उसने सोचा कि उसके पिता भी भगवान नहीं है, वो विष्णु की पूजा करेगा, भगवान लॉर्ड विष्णु की पूजा करेगा आपसे। व्हेन हिज फादर लर्न दिस ही वॉज वेरी एंग्री, जब उसके पिता को ऐसा पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा हुए। माई सन डिसोबे मी, वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ही मस्ट बी पनिश्ड, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। He called the guard, उसने guard को बुलाया, और take my son and throw him off the tallest cliff in the land, जो cliff मतलब होता है बच्चों
टीला, जो छोटी पहाड़ी टीला होता है ना, तो जो सबसे लंबा टीला हो वहां से उसको नीचे फेंक दो, ऐसा कहा। सो प्रहलाद वॉज टेकन ऑफ टू द क्लिफ एंड टॉस्ड ओवर द एज, और उसके एक किनारे से उसको नीचे फेंक दिया गया। डाउन डाउन डाउन, प्रहलाद फेल, प्रहलाद गिर गया। एज ही फेल ही प्रेड टू लॉर्ड विष्णु टू प्रोटेक्ट हिम, उसने जैसे वो गिरा तो उसने लॉर्ड विष्णु से प्रे किया। एंड द गॉड हर्ड हिम, और भगवान ने उसकी सुन ली। सो दैट हिज फॉल वॉज जेंटल, इसलिए उसकी जो गिरना था वो जेंटल था, मतलब ज़्यादा उसको हर्ट नहीं हुआ। ही वॉज नॉट हर्ट, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। वेन ही डिस्कवर्ड दैट द प्रिंस वॉज अनहार्म्ड, जब उसको ऐसा पता चला कि राजा को, प्रिंस को ज़्यादा चोट ही नहीं आई है राजा के बेटे को, द किंग वॉज फ्यूरियस, अब किंग को और चिंता होने लगी। हाउ कुड हिज सन हैव सर्वाइव सच अ फॉल, इतनी दूर ऊंची पहाड़ी से टीले से गिराने के बाद भी उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। वेरी वेल ही सेड, टॉस हिम इन टू द नेस्ट नेस्ट ऑफ द स्नेक, पिट ऑफ द स्नेक्स, लेट अस सी हाउ ही मैनेज टू क्लाइंब आउट ऑफ दैट वन। अब उसने बोला कि इसको सांप के बिल में छोड़ते हैं, वहां से देखते हैं कैसे आएगा। प्रहलाद वॉज टेकन टू द स्नेक पिट। हाउ ही ट्रम्बल्ड वेन ही लुकड इन एंड सॉ द हंड्रेड्स ऑफ द स्नेक ट्विस्लिंग बिलो हिम, 100 ऑफ स्नेक उसके अंदर थे। हाउ थिक देयर बॉडीज वर, एज थिक एज अ ग्रोन मैन आर्म, इतनी मोटी थी जितने की कोई बड़े वयस्क आदमी की हाथ की विड्थ होती है, इतने मोटे मोटे सांप थे। एज ही वॉज पोस्ट इन द प्रे टू हिज गॉड, तो अब वो अपने भगवान से प्रार्थना करता है। द स्नेक हिस्ट एंड कर्ल्ड राउंड प्रहलाद्स बॉडी, और उस हिस करता है जो साउंड निकालता है स्नेक, वो निकालता है और उसकी बॉडी को कर्ल कर लेता है, मतलब उसके बॉडी के चारों तरफ लपेट लेता है। बट वर अनेबल टू हर्ट हिम, लेकिन उसको हर्ट नहीं, कुछ भी हर्ट नहीं कर पाता है। वेन ही लर्न दैट द प्रहलाद वॉज अनहार्म, द किंग बिकम इवन मोर है एंग्री, अब जब उसको पता चला कि अब प्रहलाद को फिर भी कुछ नहीं हुआ तो वो और गुस्सा होता है। पुट हिम अमंगस्ट आ हर्ड ऑफ एलिफेंट, अब वो एलिफेंट के ग्रुप में छोड़ देता है, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स में। ही शाउटेड, हर्ड मतलब ग्रुप होता है, एलिफेंट के ग्रुप को बोलते। बट फर्स्ट डॉन डैम दे सो दे बिकम एंग्री एंड ट्रम्पल हिम, ही रब्ड हिज हैंड गिलफुली, दिस टाइम ही वॉज नॉट एस्केप, ही चकल्ड। एज सुन एज दे सॉ प्रहलाद द एलिफेंट रेज देयर ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली, जैसे ही उसने एज सुन एज दे सॉ प्रहलाद, जैसे ही उसने प्रहलाद को देखा, द एलिफेंट रेज देयर ट्रंक, एलिफेंट ने ट्रंक उठा के ट्रम्पेट आवाज़ जो निकालते हैं वो किया लाउडली। प्रहलाद ट्राइड नॉट टू शो हिज फियर एज दे चार्ज्ड टूवर्ड्स हिम, उसने ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि वो डर नहीं रहा है। अगेन ही प्रे टू हिज लॉर्ड टू प्रोटेक्ट हिम, दोबारा उसने प्रे किया अपने भगवान को। एंड टू द वॉचर्स एस्टोनिश एज सून एज द एलिफेंट रीच प्रहलाद, दे स्टॉप्ड स्टिल एंड लोअर्ड देयर ट्रंक नज़ली एंड जेंटली, और जैसे ही सारे एलिफेंट प्रहलाद के सामने पहुँचे, उन्होंने अपनी जो ट्रंक है उसको नीचे कर दिया और नीचे किया। वॉट एम आई टू डू, मैं क्या करूँ। द किंग सेड टू हिज सिस्टर दैट नाइट वेन द न्यूज़ ऑफ हिज सन एस्केप रीच्ड हिम, हाउ एम आई टू गेट रिड ऑफ हिम, कैसे मैं इससे पीछा छुड़ाऊँ। द किंग सिस्टर हुज नेम वॉज होलिका, राजा की जो बहन थी हुज नेम वॉज होलिका, जिसका नाम होलिका था, वॉन्टेड टू श्री प्रहलाद डेड एज मच एज ही डेड, वो भी उतना ही चाहती थी कि वो मर जाए जितना कि राजा चाहता था। लीव
इट टू मी। अब होलिका बोलती कि मुझ पे छोड़ दो। सी सेट टू हिम आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। इन द मॉर्निंग आई विल बिल्ड अ जाइंट बोनफायर एंड वॉक इन टू इट एंड डेयर प्रहलाद टू फॉलो मी। यू विल बी बर्नड अलाइव, यू विल बी बर्नड अलाइव, द किंग सेड अगस्त्या नॉट आई। शी स्माइल्ड, द फ्लेम कैन नॉट हार्म मी, जो आग की लपटें हैं वो उसको कुछ भी नहीं करेंगी होलिका को। आई हैव अ मैजिक पावर, मेरे अंदर एक मैजिक पावर है, दैट विल प्रोटेक्ट मी, जो कि मुझको बचा लेगी। देन दैट इज इंडीड अ गुड प्लान, स्माइल्ड द किंग। एट लास्ट ही वुड बी रिड ऑफ हिज सन, आखिर लास्ट में ऐसा होगा अगर, तो वो उसका उसके बेटे से पीछा छूट जाएगा। इन द मॉर्निंग होलिका ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू बिल्ड अ ह्यूज बोन फायर, सुबह के समय होलिका ने ये निर्देश दिया अपने नौकरों को कि जाओ जाके एक बड़ा सा बोन फायर बनाओ इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, महल के सामने। मैन एंड वुमेन रैन टू एंड फॉर गैदर्ड स्टिक गैदर करी। देन अ बर्निंग टॉर्च वॉज हेल्ड टू द स्टिक, द स्टिक वॉज वेरी ड्राई, जो स्टिक लकड़ियाँ थी वो बहुत सूखी थी। एंड द फ्लेम लैप्ट अप क्विकली, जल्द ही आग पकड़ ली। सून अ फायर वॉज बर्निंग, जल्दी ही आग जलने लगी। इट वॉज सो हॉट एंड बर्न टू फ्रीमली दैट नो वन डेयर स्टैंड क्लोज टू, कोई मतलब वो इतनी तेज आग जल रही थी कि कोई भी पास में खड़ा नहीं हो सकता था। एज द फ्लेम लेप्ट इवन हायर, होलिका कॉल प्रहलाद टू हर। माई बॉय सी सेट टू हिम, शी पॉइंटेड टू द बोन फायर, लेट अस सी हु इज द ब्रेवेस्ट, चलो देखते हैं कि कौन बहादुर है। शो योर करेज वन मोर टाइम, अपना साहस एक बार और दिखाओ। फॉलो मी इन टू द फायर, मेरे पीछे आओ आग में। एंड विद दैट होलिका मार्च्ड इन टू द फ्लेम, ये कह के होलिका आग की तरफ बढ़ गई। हर मैजिक पावर कैप्ट हर फ्रॉम बींग हार्म, उसके पास जो जादुई शक्तियाँ थी जिससे कि वो आग में बैठेगी उसको कुछ नहीं होगा। बट नाउ लॉर्ड विष्णु वॉज वॉचिंग ओवर, लेकिन ये सब लॉर्ड विष्णु देख रहे थे ऊपर से। वो एज ही हैड डन मैनी टाइम बिफोर, प्रेइंग टू हिज गॉड, प्रहलाद फॉलोड हर इन टू द फायर। प्रहलाद ने उसको फॉलो किया अपने भगवान की प्रेयर करते हुए, लॉर्ड विष्णु की प्रेयर करते हुए। एज द फ्लेम ग्रू हायर, लॉर्ड विष्णु टुक अवे, जैसे ही फ्लेम आगे बढ़ी लॉर्ड विष्णु ने टुक अवे होलिकाज मैजिक पावर एंड ग्रांटेड देम टू प्रहलाद इनसाइड। होलिका की पावर लेकर भगवान विष्णु ने वो जो पावर थी वो प्रहलाद को दे दी होलिका की जगह। देयर वॉज अ सडन हूज एज द फ्लेम कॉच होलिका, अचानक से आवाज़ आती है हु की, क्योंकि जो फ्लेम थी वो होलिका उसमें जल गई थी। इन आ ट्राइज ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हर वॉज अ फ्यू ग्लोइंग एम्बर्स, बट प्रहलाद स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फायर, लेकिन प्रहलाद जो था वो सीधे खड़ा रहा मिडिल ऑफ द फायर, फायर के बीच में, अनहार्म्ड बाय द रोरिंग फ्लेम, जो ऐसी बढ़ती हुई आग की लपटें थी उनके बीच में अनहार्म्ड। एंड टू दिस डे एट होली होली टाइम फायर्स आर लिट, एंड एज दे टुक इन टू द फ्रिकलिंग फ्लेम पीपल रिमेंबर द स्टोरी ऑफ होलिका एंड प्रहलाद, हाउ गुड ट्रम्पेड ओवर, बुराई पर अच्छाई की जीत के होती है, इविल मतलब बुरा। तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी होलिका की, आप ये स्टोरी वापस रीड कर सकते हो, इस वीडियो को वापस देख सकते हो, सो दैट आप खुद रीड करोगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो इस स्टोरी को। तो आज के वीडियो में इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।